everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने देखा था axial blast air circuit breaker, ठीक है, उसके diagram के साथ उसका construction और उसका working हमने देखा था, ठीक है. तो आज हम देखेंगे cross blast air circuit breaker, which is a type of the air blast circuit breaker, ठीक है, जो कि इसके flow of force, ठीक है, according to the flow of the force ये जो क्लासिफाई किया गया था. तो आज हम देखने वाले हैं हमारा क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है. तो स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है. तो ये है हमारा सबसे पहला, ये जो आपको कोई जार टाइप दिख रहा है सेक्शन, ये है हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है. और ये है पोर्सिलिन की हाउसिंग, ठीक है. उसके बाद ये है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट और यह है प्रेशराइज्ड एयर, ठीक है. यह है प्रेशराइज्ड एयर. तो देखते हैं कि क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एग्जैक्टली होता क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर एन एयर ब्लास्ट इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू द आर्क. क्या बताया गया है इसमें, क्या होता है एयर ब्लास्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एयर ब्लास्ट इज directed at right angles to the arc. ठीक है, right angles to the arc. Air blast जो होता है direct किया जाता है at right angles to the arc. ठीक है, then the cross blast lengthens and force the arc into a suitable chute for a arc extension. ठीक है, क्या बोला गया है, the cross blast length, ये जो cross blast है, ठीक है, cross blast lengthens यानी कि बढ़ा देता है, length बढ़ा देता है and force the arc into a suitable chute. ठीक है, ठीक है, फॉर द आर्क एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो क्रॉस ब्लास्ट क्या करता है, लेंथ बढ़ा देता है और साथ साथ फोर्स करता है आर्क को इनटू द सुटेबल शूट ऑफ द आर्क एक्सटिंक्शन. ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज, व्हेन द मूविंग कॉन्टैक्ट इज विथड्रॉन, जब व्हेन मूविंग कॉन्टैक्ट इज विथड्रॉन, ठीक है, मूविंग कॉन्टैक्ट इज विथड्रॉन, तब क्या होता है, एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द फिक्स्ड एंड द मूविंग कॉन्टैक्ट, देन द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, तब क्या होता है, ये फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में स्ट्रक हो जाता है हमारा आर्क, जब मूविंग कॉन्टैक्ट जो है विथड्रॉ होता है यानी कि सेपरेट हो जाता है, तब ये जो आर्क है ये मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के बीच में जो है यानी कि स्ट्रक हो जाता है. ठीक है, ओके, the high pressure cross blast force the arc into a chute consisting of arc splitters and baffles. kya bola gaya hai, the high pressure cross blast force, high pressure cross blast kya karta hai, force karta hai arc ko, force the arc into a chute. ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ आर्क स्प्लिट, और ये किससे बना हुआ होता है, कंसिस्ट किया जाता है आर्क स्प्लिटर्स एंड बैफल्स से. ठीक है, आर्क स्प्लिटर एंड बैफल्स से जो है कंसिस्ट किया जाता है. ठीक है, देन द फोर्थ पॉइंट इज, द स्प्लिटर सर्व टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क एंड बैफल्स गिव इम्प्रूव्ड कूलिंग. ठीक है,
The splitters serve to increase. The splitters serve to increase the length of arc and baffles give improved cooling. ये splitters क्या करते हैं? Serve करते हैं cooling, यानी कि ये splitters basically length जो होती है arc की, ठीक है, ये बढ़ाने का काम करते हैं. And baffles क्या करते हैं? इम्प्रूव्ड करते हैं कूलिंग को, ठीक है. बैफल्स जो होते हैं कूलिंग को इम्प्रूव करते हैं. द रिजल्ट इज दैट आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड. तो इसका क्या होता है? द रिजल्ट इज दैट द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड. एज ए रिजल्ट क्या होता है? आर्क जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है एंड फ्लो ऑफ करंट इज इंटरप्टेड. और इससे क्या होता है? फ्लो जो होता है करंट का वो इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है. और इससे आर्क जो है हमारा एक्सटिंग्विश होने के बाद फ्लो जो होता है करंट का वो इंटरप्ट हो जाता है. तो इस तरीके से जो है हमारा क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये है हमारा क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. तो इस तरीके से ये काम करता है. सबसे पहले क्या होता है, ये जो एयर ब्लास्ट जो होते हैं राइट एंगल पे डायरेक्ट किए जाते हैं आर्क के, उसके साथ क्रॉस ब्लास्ट क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है एंड फोर्स करता है सुटेबल शूट में आर्क एक्सटेंशन के लिए, ठीक है. जब मूविंग कॉन्टैक्ट विदड्रॉ हो जाता है यानी सेपरेट हो जाता है, तो आर्क क्या होता है? फेस एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में स्ट्रक हो जाता है. हाई प्रेशर क्रॉस ब्लास्ट फोर्स क्या करता है? क्रॉस ब्लास्ट क्या करता है? हाई प्रेशर क्रॉस ब्लास्ट फोर्स करता है आर्क को इस शूट में, जो कि आर्क स्प्लिटर्स एंड बैफल्स से बना हुआ होता है. स्प्लिटर्स क्या करते हैं? लेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं एंड बैफल्स क्या करते हैं? कूलिंग को इम्प्रूव करते हैं. तो इसके तो इस रीजन से क्या होता है? लेंथ बढ़ने से और कूलिंग बढ़ने से आर्क जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है एंड इसका जो करंट का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है काम करता है, ठीक है. तो हमने आज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के दोनों जो टाइप्स है वो देख लिए थे. सबसे पहले देखा एक्सियल ब्लास्ट एंड उसके बाद देखा क्रॉस ब्लास्ट. ओके, तो ये हो गया हमारे एयर सर्किट ब्रेकर बेसिकली पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है. तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज कैन ब्रेक स्मॉल एज वेल एज हैवी शॉर्ट सर्किट करंट्स. इट कैन ब्रेक स्मॉल एज वेल एज हैवी शॉर्ट सर्किट करंट्स. स्मॉल के साथ साथ हैवी शॉर्ट सर्किट करंट को भी ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट इज लेस मेंटेनेंस. इसका जो लेस मेंटेनेंस जो होता है ये बहुत ही कम जरूरत पड़ती है इसको मेंटेनेंस की, ठीक है. मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है. देन फास्ट ऑपरेशन. ऑपरेशन जो होता है इसका बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही क्विकली ऑपरेट हो जाता है. देन फोर्थ पॉइंट इज नो डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रेकिंग मीडिया. तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है मीडिया का, ठीक है, ब्रेक होने से वो यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हम मीडिया के मीडियम क्या यूज करे हैं? एयर. और एयर का कोई डिकम्पोजिशन हो नहीं सकता, ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबल ऑपरेशन. इसका जो रिलायबल होता है ये बहुत ही सॉरी ऑपरेशन जो होता है ये काफी रिलायबल ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है. अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो सबसे पहले है नॉइजी ऑपरेशन. ठीक है, नॉइजी ऑपरेशन यह है इसका डिसएडवांटेज. इसका जो ऑपरेशन होता है बहुत ही नॉइजी होता है, साउंड प्रूफ नहीं होता. देन द सेकंड वन इज ड्यू टू
current chopping transients due to current chopping transients are generated causes restriking of the arc. क्या होता है करंट चॉपिंग ट्रांजिएंट्स जो जनरेट होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो रीस्ट्राइकिंग ऑफ द आर्क होती है वो पॉसिबल होती है, आर्क के रीस्ट्राइक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द करंट चॉपिंग ट्रांजिएंट्स जनरेटेड. ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो इसके साथ हमने खत्म कर लिया एयर सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.